मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहा हूँ कि इसको अपने माइंड में फिट कर दे। इससे होगा क्या, आपका रिवीजन का जो टाइम है वो बहुत लेस हो जाएगा। 10-15 दिन आप अपने माइंड को घिसेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको उन चीजों को आंसर देने लगेगा। गोल्डन डस्ट के बारे में बात करी थी, मैं आपको बता देता हूं गोल्डन डस्ट है क्या। सिंपल है यार, गोल्डन डस्ट का मतलब क्या है, जिनके पास समय, जिनको लगता है कम, जिनको लगता है कि हमारे पास समय की कमी है, या सर मुझे ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, वो भी करना होता है, पर मेरे पास समय ही नहीं मिल पाता मुझे, ये उनके लिए है। ठीक है, मैं बताता हूं गोल्डन डस्ट का कैसे यूज करेंगे आप। ठीक है, मैं भी करता हूं। ठीक है, गोल्डन डस्ट का मतलब है टाइम का मैक्सिमम आउटपुट निकालना। ठीक है, चीजों को रिकॉल करने की एबिलिटी को डेवलप करना। दो चीजें आप इसमें कर सकते हैं, पहला रिपीट आफ्टर मी इन क्लास। क्लास में मैं जो भी लाइन बोलता हूं सब्जेक्ट से रिलेटेड, मेरे साथ रिपीट करिए आप। बस क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट, पेन नीचे चल रहा है आप वैसे भी चैट बॉक्स की जो, हाँ अगर आप चैट बॉक्स में अपनी बम लगा के बैठे रहते हैं और वहां पर आप बैठे रहे, फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपका पेन नीचे नोट्स बनाता रहे और जो मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड बात बोल रहा हूं बस मेरे साथ रिपीट करिए उसे। ठीक है, सर क्या करवा रहे हो आप, ये बच्चों वाली हरकतें। मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहा हूं कि इसको याद कर ले, मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहा हूं कि इसको अपने माइंड में फिट कर ले। इससे होगा क्या, आपका रिवीजन का जो टाइम है वो बहुत लेस हो जाएगा। दूसरा जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे तो ये आप देखेंगे, गोल्डन डस्ट का मतलब होता है 24 आवर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सर कैसे करेंगे आप इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तब आप पढ़ रहे हैं। क्या बोला मैंने, जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तब आप पढ़ रहे हैं, यही मतलब है गोल्डन डस्ट का। आज मुझे मेरे मामा के यहां जाना है, उनके यहां मान लेते हैं शादी है, मुझे जाना है, जाने में मुझे कार में लगेंगे मान लेते हैं 2 घंटे, बस में लगेंगे 4 घंटे, रेल में लगेंगे 2 घंटे, मैं उस 2 घंटे में मैं पढ़ूंगा। क्या सर मेरे पास तो किताब नहीं है, मैं तो कॉपी घर में भूल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे साथ रिपीट किया था ना क्लास में, रिपीट किया था, उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। मैं गारंटी देता हूं आप जब क्लासेस को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे इनिशियली आपको कुछ याद नहीं आएगा, कुछ याद नहीं आएगा, आपको यह तक याद नहीं आएगा कि टीचर ने टॉपिक क्या पढ़ाया था, टॉपिक का नाम क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, कुछ याद नहीं आएगा। ठीक है, 10-15 दिन आप अपने माइंड को घिसेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको उन चीजों को आंसर देने लगेगा। आज से 15 दिन बाद अगर आप ट्राई करेंगे आप देखेंगे भाई क्लास खत्म होने के बाद कॉपी करी मैंने बंद, फिर भी मैं क्लास को 30%, 40%, 50% धीरे धीरे बढ़ेगा ये 80% भाई मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। ठीक है, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ हूं, मैं खाना खा रहा हूं, हालांकि खाना खाते टाइम ये ना करें, ड्राइविंग करते टाइम अगर आप कोई स्कूटर बाइक वगैरह चला रहे हैं आप ना करें, बिकॉज खाना खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिव इट टाइम। एंड स्कूटर वगैरह ड्राइव कर रहे हैं आप, कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज उस समय ना करें, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, मैं ये नहीं चाहता हूं। इसके अलावा आप कभी भी कोई बैठे हुए मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, रात को आपने किताबें वगैरह बंद कर दी है, आप सोने लगे हैं, ठीक है अभी नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, तो फोन मत उठाइए, आप रिकॉल करने की कोशिश करिए आज अमित सर ने क्लास में क्या पढ़ाया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको कुछ याद नहीं आएगा, आपको चैप्टर का नाम याद आ जाए बहुत बड़ी बात है यार। 15 दिन इसको करिए, इसके करने के बाद 15 दिन करिए, यू विल बी एबल टू रिकॉल 30%, 40%, 70%, 80%, 90%। एक ऐसा समय आएगा आपको लगेगा आपकी रिवीजन का टाइम जो है वो बहुत 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 रिड्यूस हो गया। ठीक है, इट विल क्रिएट ए लॉन्ग बैकलॉग। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मत करिएगा, आप मत करिएगा, बाकियों को करने दीजिए, बाकियों कर आप मत करना, आप जैसा कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, हाँ एक बच्चा कह रहा है अगर मैं वॉशरूम में बैठा हूं तब भी करिए रिकॉल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, गोल्डन डस्ट का मतलब ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा कि आपने याद दिला दिया। ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें आप खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं, कोई और ड्राइव कर रहा है, रिकॉल करने की कोशिश करिए। ठीक है, जिनको लगता है रिवीजन का टाइम आपका कम होना चाहिए ऐसे कम हो जाएगा, मैं बता रहा हूं मेरा काम बताना है। 21 दिन इसे आप ट्राई करेंगे आप 40-50% रिकॉल पे आ जाएंगे, और 21 दिन से ज्यादा ट्राई करेंगे आप 70-80-90 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करके आइएगा अगले में, आज क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको होमवर्क में, और कल से मैं आपको मॉड्यूल का होमवर्क भी देना शुरू कर दूंगा। आज